I welcome all of you on platform of Yourpedia and this is my second video on comparative analysis between Indian universities and foreign universities. So friends, you already you are aware that we are the largest platform mentoring students for higher education India abroad and we do very uh, in-depth analysis, micro level analysis of the difference between you know, uh, the higher educational courses in India and abroad. Infrastructure, professors, research, opportunities, career after that, uh, scholarship, fees, analysis And you know, your Eurpedia is the, uh, you know, organization which keeps on entering different campuses, interact with the students, interact with the professors, and interact with the management of the institutes, and bring the comparative analysis in front of you. उसके बेस पे जो हम लोगों का एनालिसिस है एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है जिसका इशू यूरोपीडिया रेकअप कर रहा है इशू को आगे लेके आ रहा है वो है ड्यूरेशन से रिलेटेड कि भाई इसमें जो पीएचडी एच ड्यूरेशन है जो डायरेक्ट पीएचडी पी आफ्टर बीटेक होता है या आफ्टर एमटेक जो पीएचडी है उसका ड्यूरेशन में इतना डिफरेंस क्यों है डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड में भी होता है यूएस में मेजोरिटी चाइनीज़ पीपल गो फॉर डायरेक्ट पीएचडी इंडियन को पता नहीं है इंडियन नहीं जाते इंडियन को डायरेक्ट पी रूट भी नहीं पता बहुत कम बच्चों को पता है कि कितना एडवांटेज एडवांटेजियस है लेकिन जाते नहीं हैं इंडियन लार्जली एम एस करने जाते हैं और बहुत पैसा डंप करते हैं वहाँ पर चालीस चालस लाख डायरेक्ट पीएचडी में यूएस में पाँच साल लगता है यूरोप में चार साल लगता है इंडिया में सात प्लस लगता है कोई लिमिट नहीं है फिर उसका पीएचडी आफ्टर मास्टर्स एम एस के बाद जो पीएचडी का टाइम है यूएस में वो चार साल स्ट्रिक्टली प्रोफेसर आपको धक्का दे देगा जाओ यूरोप में तीन साल के लिए एड कर एडवर्टाइज करते हैं एज अ जॉब तीन साल बस उसमें आपको अलाउंसिस वैसे ही मिलते हैं जैसे जॉब के हैं इंडिया में छः प्लस साल है क्वेश्चन ये है कि ड्यूरेशन पीएचडी का इंडिया में ऑलमोस्ट डबल क्यों है क्या रीज़न है उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर अगर आपको लगता है तो आप भी इसका आंसर दें कमेंट सेक्शन में डालें शेयर करें क्योंकि जितना ये चीज़ को स्प्रेड किया जाएगा तो उतना ही ये जो चीज़ है ये कम होगा और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो शायद सोचें पीएचडी करने का इंडिया की यूनिवर्सिटी से मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं और इतने ज़्यादा मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इसीलिए है कि कुछ साल पीछे चले जाओ आप 2011-12 में यूरपीडिया ने आई कानपुर में यूरपीडिया नहीं उस टाइम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के बेस पर मैं बता रहा हूँ सो वी सेंट सम ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स इन वन गो फॉर डायरेक्ट पी एंड दैट इज़ एज अ अंटराइज सेंट आई मीन डायरेक्ट पी के लिए जाओ ये 2011-12 की बात है और उन बच्चों को निकलने के बाद अब वो निकल चुके हैं निकला उन्होंने मैंने करियर देखा मैंने कंपैरिजन किया तो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा अनड्यू टाइम उनका लगा मेंटल स्ट्रेस उनको रहा मेंटल प्रेशर उनके पास रहा फाइनेंशियल प्रेशर उनके ऊपर रहा और जब कंपैरेटिव एनालिसिस आज वो बच्चे करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथ के लोग जो जॉब वॉब में चले गए थे और हम लोगों में डिफरेंस आया वो जो जॉब में चले गए थे वो उस उनको दे हैव नॉट गॉन थ्रू दैट रिगर्स कहीं ने पी ज्वाइन कर लिए उनकी शादियाँ हो गई एवरीथिंग इज़ वेल सेट नो ये चीज़ को रिड्यूस करने का रिक्वायरमेंट है इंडिया में इसका कारण क्या है वाई वाई द ड्यूरेशन इज सो लॉन्ग लेट मी टेल यू द रीजन फॉर द ड्यूरेशन एंड मे बी आप इस चीज़ को फील कर पाएँ और मे बी जो पॉलिसी मेकर एंड डिसीजन मेकर हैं मे बी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया और आई डायरेक्टर्स और आई आई प्रोफेसर्स और इंस्टीट्यूट्स के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स दे मे मेक सम डिसीजन रिलेटेड टू दिस अगर हमें अपने टैलेंटेड स्टूडेंट जो बाहर नहीं जाना चाहता ऐसा नहीं कि हर कोई बाहर जाना चाह रहा है मैं अपना मेरा अपना एग्जाम्पल आई गॉट कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड फॉर डॉक्टरेट बट आई प्रेफर्ड आई आई डिड फ्रॉम हेयर ओनली एंड आई एम एम वर्किंग हेयर ओनली तो ऐसा बहुत सा बच्चा है जिनको अपॉर्चुनिटीज बाहर भी मिलेगा लेकिन वो इंडिया में रहना चाहता है लेकिन उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो दो उसको कंड्यूसिव सिचुएशन तो दो अगर ये चीज रखोगे तो वो नहीं करेगा उसको फोर्स बाहर जाना पड़ेगा वैसे तो बाहर जाओ मैं बोलता हूँ जाओ पढ़ो आपको आ, कम, आ, इंटरनेशनल एक्सपोजर लो अगर आप मेरे से पूछोगे बाहर की पीएचडी अच्छी है तो बिल्कुल अच्छा लगता है मेरे को ऐसा नहीं कि हमारे प्रोफेसर कम है इंफ्रास्ट्रक्चर कम है लेकिन यार वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना तुम्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में तुम जाओगे प्रोफेसर से मिलोगे हमारा अपना आई सिस्टम ये बोलता है कि बाहर के प्रोफेसर्स को लाओ बाहर से पढ़े हुए लड़कों को प्रोफेसर बनाओ हमारा आईटी सिस्टम ये बोलता है तो बेटर है वो इसमें कोई दो आया नहीं है नथिंग क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ बाहर से पीएचडी अच्छी है तो मैं नेशनलिस्ट अगेंस्ट हो गया मैं नेशनलिज्म के ऐसा नहीं है बाहर का अपॉर्चुनिटी अच्छा है अब इसमें डिले क्यों होता है वाई मोर टाइम इज़ टेकन लेट मी टेल यू द रीज़न फॉर दैट इंडिया में आई में जब या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जब तुम पी करने जाते हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है या वो इंस्टीट्यूट देता है प्रोफेसर नहीं देता प्रोफेसर के प्रोजेक्ट से तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलता मैं ऐसा एनालिसिस करना चाहता हूं एक डिटेल में लेकिन मेरे को वो लीड नहीं मिल रहा है प्रोफेसर्स थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट हेजिटेट कर रहे हैं मैं एक इंफॉर्मेशन चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जितने प्रोफेसर्स हैं कितने प्रोफेसर प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं आई मीन प्राइवेट इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं जी टू जी नहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आसानी से मिल जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी के प्रोफेसर को प्रोजेक्ट दे रहा है ठीक है इसरो आईआईटी के प्रोफेसर को प्रोजेक्ट दे रहा है ठीक है एच ए एल दे रहा है डी आर डी ओ दे रहा है बी एआरसी दे रहा है वो सब समझ आता है क्या प्राइवेट सेक्टर टाटा अदानीज अंबानीज एल एन टीज आई आई टी के प्रोफेसर को प्रोजेक्ट देते हैं बिल्कुल देते हैं बट नंबर क्या है उसका अगर आईटी के अंदर सपोज किसी आईटी के अंदर सौ प्रोफेसर हैं और अगर वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं हर प्रोफेसर कोई ना कोई प्रोजेक्ट हैंडल करेगा उन सौ प्रोफेसर के पास क्या प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं और उनसे इनकम आता है और क्या वो उस इनकम से सैलरी देते हैं स्कॉलरशिप देते हैं क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर आपको प्रोजेक्ट देगा तो वो प्राइवेट सेक्टर टाइम ड्यूरेशन भी लगाता है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट तीन साल में चाहिए तो प्रोफेसर के ऊपर प्रेशर है उसको तीन साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का तो जी टू जी प्रोजेक्ट में नहीं होता अगर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोई प्रोजेक्ट प्रोफेसर को दिया आई में तो उसके ऊपर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है स्ट्रिक्ट टाइम ड्यूरेशन डिले भी हो रहा तो हो रहा है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट डिले होते ही हैं तो डिले हो रहा है तो होता रहे कोई बात नहीं प्रेशर प्रोफेसर के ऊपर नहीं है अगर प्रेशर प्रोफेसर के ऊपर है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट को तीन साल में हैंडल करना है टाटा का प्रोजेक्ट है या जैपनीज कंपनी का प्रोजेक्ट है तीन साल में हैंडल करना है तो वो अपने प्रोफेसर जो है अपने रिसर्च स्कॉलर से काम करवाएगा और अगर रिसर्च स्कॉलर उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो इसके एडवांटेज क्या है पहली बात उसको तीन साल में पीएचडी मिल जाएगी क्यों प्रोजेक्ट कंप्लीट जाओ भाई काम तो कर दिए तुमने दूसरा क्योंकि इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट उसने किया इसलिए उसको इंडस्ट्री में भी जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है सो अगर रूट तुम देखोगे तो रूट कहीं ना कहीं कहां पे आ रहे हैं कि क्या इंडिया में प्रोफेसर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं या गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं ये रूट है जो मैं बहुत डिस्कशन और देखा मैं खुद आईटी सिस्टम में दस साल रहा उसके बेस पे मेरे को यह पता चलता है तो प्रोफेसर अगर प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे इससे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट होगा इंडस्ट्री अकेडमिया का जो इंटरेक्शन की हम बात करते हैं इंडस्ट्री अकेडमिया में इंटरेक्शन नहीं होता प्रोफेसर डो नॉट कम फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन एंड गो टू इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज डो नॉट फील कंफर्टेबल गिविंग प्रोजेक्ट टू प्रोफेसर यह एक बहुत बड़ा रूट कॉज है यूरपीडिया उस पर भी काम कर रहा है यूरपीडिया कीप्स ऑन विजिटिंग वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो ये उसका कारण है इसलिए टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लग जाता है सो so, एक क्राइटेरिया आपका प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करने का यह भी होना चाहिए कि आ, वो प्रोफेसर जिसके आप पीएचडी करना चाहते हैं वो कितने प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है देखो जहां पे आपको इतने साल लगाने हैं ना पाँच छः साल छः सात साल लगाने हैं वो बहुत क्रूशियल डिसीजन है तो प्रोफेसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएचडी यू नीड टू तो वेरी मेटिकुलसली आइडेंटिफाई जिस प्रोफेसर के आसपास आप पीएचडी करने जा रहे हैं वो प्रोफेसर का प्रोजेक्ट कितने हैं वो प्रोफेसर का कैपेबिलिटी कितना है वो प्रोजेक्ट आपको करवाएगा नहीं करवाएगा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से आइडिया लगता है और इसीलिए जब हम बोलते हैं ना कि पीएचडी के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है इंडिया में पीएचडी करने के बाद आप देखोगे तो 80 परसेंट लोग एकेडमिक जॉब्स की तरफ जाते हैं लेकिन अब्रॉड में रिवर्स है 20 परसेंट एकेडमिक जॉब की तरफ जा रहे हैं 80 परसेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं इंडिया में 20 परसेंट आपके इंडस्ट्री के लिए सोच रहे हैं और एट्टी परसेंट एकेडमिक जॉब्स में जा रहे हैं ऐसा क्यों इसका भी रीज़न यही है कि जो पी आप कर रहे हो क्या आप इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हो नहीं और यहां पे आप जो कर रहे हो पीएचडी वो मेजोरिटी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है तो इंडस्ट्री के साथ तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो ये फ्रेंड्स मेन डिफरेंस है My duty is to bring this particular thing in front of you and maybe through it bring some positive change. I have great respect for my colleague professors in IITs. I have been there. I have great respect for IITs as a system. I spent 10 years in that. Whatever I am today, that is only due to Indian educational institutes, Indian educational system. But friends, if we can bring change, positive change, we must try for that. एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दैट सेम अगर आपको लगता है कि जो मैंने बोला है उसमें मीनिंग है कुछ प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आगे स्प्रेड करो अपने कमेंट दो आई एम श्योर आई एम आई एम शेयरिंग ऑल दीज वीडियोज़ विद प्रोफेसर्स मेरे अपने लिंकड इन के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेसर्स ऑफ आई आई टीज एंड ऑल दीज पीपल आर ज्वाइंट इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी एंड आई एम वेरी श्योर दिस ल्युमिनरीज आर लिसनिंग टू अस और ऐसे नहीं है ईगो वाले लोग नहीं होते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जानते हैं सर बात समझते हैं तो चेंज आएगा आई एम वेरी श्योर इन दैट लेकिन हमें पॉइंट रेज करना पड़ेगा तो आई नीड योर हेल्प फ्रेंड्स लेट्स रेज दिस इशू एंड ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज एंड वी गेट द बेस्ट ब्रेन बोलते हैं ना कि कोई भी कंट्री डेवलप होना है बेस्ट ब्रेन शुड बी इन टीचिंग बेस्ट ब्रेन शुड बी इन द टीचिंग प्रोफेशन लेकिन टीचिंग में एंटर करने के लिए तुम्हें पीएचडी मस्ट है और पीएचडी में अगर बेस्ट ब्रेन नहीं आएगा टीचिंग में बेस्ट ब्रेन कैसे आएगा और पीएचडी में बेस्ट ब्रेन लाने के लिए ये चीजों को खत्म करना पड़ेगा हमें इसको ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा तो बेस्ट ब्रेन यूएस वगैरह में यूरोप में टीचिंग में क्यों जाता है क्योंकि बेस्ट ब्रेन यहां पर आता है पहले बेस्ट ब्रेन यहां पर क्यों आता है बिकॉज ये अट्रैक्टिव है इसमें कोई ऐसा ट्रबल नहीं है ये जॉब है इसीलिए यूरोप बोलता है कि पीएचडी जॉब है सो so दैट आपको ऐसा ना लगे कि भाई अभी मैं पढ़ ही रहा हूं मैं तो तीस साल का हो गया पढ़ ही रहा हूं घरवालों को ऐसा ना लगे कि मैं पढ़ ही रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करो कमेंट करो बैठे मत रहो चेंज आ जाएगा पॉजिटिव चेंज आएगा